हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारी बातचीत, काम करने के तरीके, रहने के ढंग और जानकारी साझा करने की क्षमता में काफी बदलाव आया है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रगति के बावजूद ग्रामीण भारत में लाखों लोग अभी भी इस डिजिटल युग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। प्रकाश पेशे से एक पेंटर हैं, पर डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक की वजह से वो लगभग बेरोजगार हो गए। आजकल सब कंप्यूटर का जमाना है। अगर मेरे बिजनेस को और धंधे को बचाने के लिए मुझे कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। इसी दूरी को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDLM दिशा की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर से कम एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाया जाए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज देश तरक्की कर रहा है, हर वर्गों में, हर समाज में। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी की हथेली में मोबाइल फोन में देश के शासन का की सूचना होनी चाहिए। और मेरा कहना है डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है, ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करें। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की जानकारी होना ही डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि है। నా కొడుకు దుబాయ్ 5 సంవత్సరాలు అయి పోయి నా కొడుకు ఇప్పుడు దగ్గర ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. కంప్యూటరు నా ప్రపంచమే మార్చేసింది. भारत विविधताओं का देश है, जिस कारण NDLM दिशा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर दिव्यांग लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक VLE ने दिव्यांग छात्रों को प्रशिक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल की है। जब मैं पहली बार वहाँ गया स्कूल पे, तो ना वो मेरी भाषा समझ सक रहे थे, ना मैं उनको समझा पा रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट किया मैम से, तो मैम ने हमारे एक इंटरप्रेटर के हिसाब से हम जो भाषा बोलते थे, हम अपनी तकनीकी कंप्यूटर की भाषा बोलते थे, वो साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैडम उनको ट्रांसलेट करती थी। और धीरे 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 बच्चे उसको समझने लग गए और हमको क्लास लेने में बहुत मज़ा आने लगा। पहले जब मैं गांव में जाता था तो बहुत लोग बोलते थे कि हमसे नहीं होगा, इतना दूर कैसे जाएंगे, देहात के लोग हैं, जाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने उन लोगों को कन्विंस किया कि आप लोग आइए, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम दिया है, फ्री में सिखाया जा रहा है, आप लोगों को कोई शुल्क नहीं देना है। तो बहुत मुश्किल करने के बाद एक बार दो औरतें वहाँ से आईं, महिलाएँ। तो उन लोग जब सीख के यहाँ से गई तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो खुद अपने से अपने गाँव के लोगों को लेकर आए यहाँ पर। जब शुरुआत में हम जब सीखे गए थे तो हकीकत है कि मतलब हमको माउस भी पकड़ने में डर लगा कि इसको पकड़ेंगे तो हमको लाइन मारेगा। लेकिन जब पकड़ लिए और थोड़ा चलाने लगे तो हमको बहुत बड़ा हिम्मत हुआ अंदर से। NDLM दिशा के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर आज बैजंती देवी स्वयं एक VLE हैं। अपने क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल भारत का हिस्सा बनाने में उनका सराहनीय योगदान है। कंप्यूटर हम तो सीखे, हमको तो भरोसा हुआ ही, लेकिन हमको से ज़्यादा तो हमको लगा कि पूरे गांव के भरोसा हुआ कि आजकल के युग में मतलब कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। NDLM दिशा ने सरकारी योजनाओं के काम करने के तरीकों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कंप्यूटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन्हें डाटा संग्रह करने में आसानी हो रही है और इस वजह से सरकार को जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं को बेहतर करने की योजना बनाने में मदद मिल रही है। NDLM दिशा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सदस्यों को भी प्रशिक्षित कर रही है, ताकि वो राशन की दुकानों को बेहतर तरीके से चला पाए। मैं कंप्यूटर सीखने आई थी तो उम्र के कारण मेरा पंजीयन नहीं हो पाया, और फिर भी मैं मैडम से बातचीत की, शौक है मैडम, मैं सीखूंगी, आगे के लिए काम आएगा करके। तो मैडम भी मेरे को हंसी खुशी से रखी और सिखाई 3 दिन तक लगातार। आज मैं राशन दुकान में ऑनलाइन से काम कर रही हूँ,
सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब मैं 60 साल की हूँ और कंप्यूटर सीख चुकी हूँ, वैसे कोई भी हो सीख सकता है। वीएली अबरार वोरा दिव्यांग होने के बावजूद अपने सीएससी पर लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं। घर घर जाकर उन्होंने एनडीएलएम दिशा के बारे में जागरूकता फैलाई। लोगों को प्रशिक्षण के लिए सीएससी आना पड़ता है, ऐसे में घुमंतू समुदायों के पास क्या विकल्प हैं? दिशा ने सीएससी को उनके दरवाजे तक पहुंचाया है। वीएली स्नेहलता राजस्थान के बंजारों को उनके शिविरों में जाकर प्रशिक्षित करती हैं। तेलंगाना का अकोली गांव एनडीएलएम दिशा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वीएली निवलकर गजानन ने इस गांव को 100% डिजिटल साक्षर बनाया है। तो एनडीएलएम आने से पहले गांव में डिजिटल लिटरेसी के बारे में, डिजिटल डिवाइस के बारे में, फोन क्या था, कंप्यूटर क्या था, उसके वजह से गांव में कुछ भी मालूम नहीं था उन लोगों को। ट्रेनिंग लेने के बाद डिजिटल डिवाइस किसे बोलता है, स्मार्टफोन से क्या कर सकता है, ये कंप्यूटर बोले तो क्या है, उसके बारे में उसको समझ में आया है। सिटी में ऐसे शहर में ऐसे लोग हो तो शहर में सीख ले रहे, मगर खेड़े गांव के लोगों को कैसा सीख लेना है। इसकी वजह से मैंने क्या करा है, पीसी टू पीपल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, और वो गांव में सेटअप भी लगाए थोड़े बच्चों के लिए, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज भी उन्हें ओपन कर रहे हैं, थोड़े बहुत बैंकिंग काम कर रहे हैं छोटे छोटे। गाँव के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप ने क्रिएट किया डिजिटल अकोली बोल के। वो ग्रुप में क्या हो रहा है, उसका जो समस्या है वो समस्या फोटो खींच के वो ग्रुप में लगा दे रहे हैं। उसमें सरपंच और हायर अथॉरिटी भी ऑफिसर लोग भी है, तो क्या हो रहा है, वो फोटो निकालने से वो पूरा वो जो भी है समस्या, वो समस्या पूरा फैल जा रहा है। वो दूसरा दिन है तो तीसरा दिन वो व्हाट्सएप में आज से समस्या क्लियर हो जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और सरपंच की ओर से, सबके ओर से। कोली गांव वाले एनडीएलएम ट्रेनिंग लेने के बाद एक घर में एक आदमी ट्रेनिंग लेने के बाद वो पूरा 160 हाउसेस में 160 मेंबर सर 100% डिजिटल लिटरेसी हुआ। अकोली के तरह और दो तीन गाँव मैंने ले लिया है, मनागाड़ा है और जैनत है और गुड़ा है, गिम्मा है, ऐसा 4-5 गांव लिए, उसे भी 100% डिजिटल लिटरेसी बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। एनडीएलएम दिशा से पेंटर प्रकाश को असंख्य अवसर मिले। कंप्यूटर का मुझे ABCD भी नहीं आता था, अब मैं अपना डिज़ाइन कंप्यूटर पे ही करता हूँ। कंप्यूटर से बनाया हुआ डिज़ाइन जो मैं व्हाट्सएप से माध्यम से मैं कस्टमर तक का भेज देता हूँ। 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से एनडीएलएम दिशा में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। 85 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 45 लाख लोगों को प्रमाणित किया गया है। प्रशिक्षित छात्रों को मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे नाइलेट, NIOS, HKCL, ICTACT और NISBT के द्वारा प्रमाणित भी किया जाता है। अपने मिशन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए एनडीएलएम दिशा कई अन्य संगठनों का सहयोग भी ले रही है, जिनमें प्रमुख हैं नेस्कॉम फाउंडेशन, इंटेल, दैनिक भास्कर, HP। अगले 3 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, एनडीएलएम दिशा के माध्यम से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है लोगों में एक नई उम्मीद अपने सपनों को उड़ान देने की।